हाय फ्रेंड्स, ताक्षु की रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं हूँ बबीता और आज हम बनाने वाले मसाला बैंगन एकदम अलग और अनोखी तरीका। यकीन मानिए, इस तरीके से आपने बैंगन मसाला कभी नहीं बनाया होगा। एकदम आसान तरीका बताने वाली हूँ, एकदम कम चीजों में बनने वाली रेसिपी है हमारी। और अगर आपको भरवा बैंगन बनाना है तो आप ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करिए, आपको भरवा बैंगन का ही टेस्ट मिलेगा इसमें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। इसको मैंने पहले अच्छे से धो के बीच में से काट लिया है, दो बार काट लिए हैं, मतलब चार हिस्सों में हमने काटा है। और इसका डंठन हमें नहीं निकालना है, डंठन हमें रखना है। डंठन से ही बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है सब्जी का। उसके बाद हमने पैन रख दिया है गैस पे और उसमें हम तेल डाल रहे हैं। मैंने सरसों वाला तेल डाला है, सरसों तेल में बहुत अच्छी सब्जी बनती है, आप कोई भी तेल डाल सकते हो। उसके बाद इसमें मैंने दो प्याज डाले हैं, उसको बारीक काट लिया था, उसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी अभी प्याज को। देखिए, सरसों तेल डाली हुई इसलिए एकदम येलो कलर लग रहा है। उसके बाद देखिए, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, मैं दो चम्मच डालूँगी बड़े चम्मच से। बाकी इसमें मैं और कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ज़्यादा डालूँगी। इससे हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनने वाली है, एकदम कम सामान में बनाने वाले हैं हम, ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं लगेगा। देखिए, मूंगफली दाना ली हूँ मैं, मूंगफली दाना को मैंने भूंज के छिलका निकाल लिया है और इसको मैं पीस रही हूँ। अगर आपके पास मूंगफली दाना नहीं है तो आप तिल भी डाल सकते हो, तिल और मूंगफली दाने का एक ही टेस्ट आता है। उसके बाद देखिए, लहसुन अदरक पेस्ट और हमारा प्याज अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ रहा है, उसको हमने अच्छे से मिला लिए। देखिए, उसके बाद देखिए, एक चम्मच हम नमक डालेंगे उसमें, उसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालने से थोड़ा जल्दी पक जाता है। उसके बाद देखिए, एक चम्मच लाल मिर्च डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी डालूंगी और एक चम्मच में धनिया डालूंगी। उसके बाद देखिए, आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और डालती हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो। आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना तीखा खाना है वैसा। और इसमें जो हमने मूँगफली दाना पीस लिया था वो भी हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, थोड़ा ड्राई हो गया है मूँगफली दाना डालने के बाद, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, एकदम थोड़ा, हमें ज़्यादा नहीं डालना है। हम सूखी वाली सब्जी बना रहे हैं, एकदम तरी वाली नहीं बनाना है हमको। देखिए, उसको मिक्स करके मैं उसको ढक दूँगी, इसको मैं छोड़ दूँगी दो तीन मिनट के लिए। दो तीन मिनट के बाद हम इसको वापस खोल के देखेंगे। देखिए, हमारा मसाला किस तरीके से पका है, तेल भी छोड़ दिया है, मूंगफली दाने का भी तेल निकलता है इसमें, इसीलिए आप थोड़ा तेल कमी डालिए। तेल हमारा छोड़ दिया है, एकदम अच्छे से बन गया है। इसके बाद देखिए, मैं एक चम्मच कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ क्रश करके। कस्तूरी मेथी आप ज़रूर डालिए, इससे एकदम टेस्ट और बढ़ जाएगा। उसके बाद आधा चम्मच से भी कम मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, तो गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दूँगी, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम हमारा मसाला एकदम परफेक्ट बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कस्तूरी मेथी डाले हैं तो। उसके बाद देखिए, हम बैंगन डालेंगे। बैंगन जो मैंने काट के रखे थे वो मैं सब इसमें डाल दूँगी। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, डंठन मत निकालना आप बैंगन का, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिए, डंठन के साथ बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और अगर आपको हरे बैंगन मिल जाएंगे तो और भी अच्छा है, जो हरे वाले जो बैंगन रहते हैं उससे बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, मुझे नहीं मिले हैं तो मैं यही लेके आई थी। उसको हमने मिक्स करके उस पर ढक्कन ढक दिया है। देखिए, हम उसको 5 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे। देखिए, हमारे बैंगन का कलर देखिए कैसे हो गया है, क्योंकि वो पक रहा है। थोड़ा भी थोड़ा सा ही पानी डाल रहे हैं, देखो एकदम थोड़ा सा, बैंगन पकने के लिए हमको पानी डालना है। देखिए, पानी डाल दिया है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम अभी। और इस पर हम ढक्कन रखते रहेंगे, अभी ढक्कन रखते हैं हमने। देखिए, अब ढक्कन देखिए, इसमें मेरे को कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं थी तो मैं इसमें देखिए थोड़ा सा फूड कलर ही डाल दे रही हूँ, ऑरेंज कलर का, उसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिला रहे हैं,
थोड़ा कलर डाले हैं इसलिए कलर थोड़ा अच्छा आ जाएगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सब्जी का कलर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो खाने में कैसी होगी? खाने में तो लाजवाब रहेगी सब्जी, आप उसका टेंशन ना लें। आप ज़रूर ऐसे भी ट्राई करिए और देखिए हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है। उसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। हमारे बैंगन देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं और देखिए मैं आपको बाउल में निकाल के भी दिखा रही हूँ सब्जी। देखिए हमारी सूखी सब्जी बनी है, आप इसको चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर खाइए। लेकिन हम ज्वार की रोटी बनाने वाले हैं आज, हम ज्वार की रोटी के साथ ये सब्जी खाएंगे। ज्वार की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। देखिए कलर देखिए सब्जी का अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, तो थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देंगे हम इसमें। आप ज़रूर मेरे को बताइए कमेंट करके आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, एकदम कम सामान में एकदम जल्दी से बनने वाली है। और मैं ऐसे ही आपके लिए न्यू वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।